चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Bull call spread. ये हमने लास्ट खत्म किया था, राइट? और आज हम स्टार्ट करेंगे बुल पुट स्प्रेड। टुडेज टॉपिक होएगा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, ये नाम से पता लग रहा है कि जब हम बुल के साथ पुट को जोड़ते हैं, यानी कि हम पुट में बुलिश हैं। पुट में बुलिश है मतलब हम बियरिश हैं, हम पुट को खरीदना चाहते हैं, राइट? तो बुल पुट स्प्रेड। स्प्रेड क्यों आया? स्प्रेड इसलिए आया कि ये क्योंकि सिंगल लेग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डबल लेग स्ट्रैटेजी होगी। हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम बियरिश हमारा व्यू होगा। जब भी हम पुट को खरीद रहे हैं तो पहली चीज तो समझ में आती है कि इस स्ट्रैटेजी के लिए हमारा जो व्यू है वो क्या होगा, बियरिश होगा। कि अगर मेरा व्यू बियरिश है तो मेरे को ये स्ट्रैटेजी में काम करना है और मैं इसके अंदर पुट खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन उस पुट को मैं और हेज करूंगा कि मेरा बहुत ज्यादा, अगर मैं गलत हो गया, अगर मेरा व्यू गलत हो गया तो मेरा नुकसान ज्यादा ना हो, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, बुल पुट, यानी कि मैं इसके अंदर एक पुट को इन द मनी आईटीएम तो सबको पता है ना, इन द मनी की मैं एक पुट को प्लस करूंगा, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी की, यानी कि दूर वाली पुट को बेचूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा बुल पुट स्प्रेड। अब इसको हम ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे। हम एक एग्जाम्पल वैसे ही लेते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है बुल पुट स्प्रेड। तो इसके अंदर मेरा जो व्यू है वो बेयरिश होगा। सबसे पहले हम कोई स्टॉक ऐसा ढूंढते हैं जो बेयरिश हो, राइट? तो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजीज के ऊपर, मॉडल के ऊपर मैंने कुछ एक स्टॉक्स छांटे हुए हैं। अडानी पावर, ये देखो जरा ये क्या है, ओपन 23:40 और ये 23:40 तक ही है, ठीक है। और देख लेते हैं, क्लोज है ये। और टाटा मोटर में देख सकते हैं, ये बहुत क्लोज है। ये देखो 17.75 और ये वाली कैंडल ने ऊपर गया है 17.55, राइट? और इसका डेली, मंथली और वीकली तीनों डाउन है, ठीक है। तो समझने के लिए इसी को ले लेते हैं। इंट्राडे चार्ट के ऊपर टाटा मोटर को देख रहे हैं। अब हमको एक स्टॉक मिला है टाटा मोटर जिसका इंट्राडे भी स्टॉप लॉस हमारा आ रहा है। ये पॉइंट है 217.75 रुपए, और अभी रेट चल रहा है 217.45 रुपए। केवल 25-30 पैसे का फर्क है। मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे ट्रेंड सब डाउन है, ठीक है। मेरे को एक बेयरिश ट्रेड लेना है और बेयरिश ट्रेड मुझे अपनी बेयरिश स्ट्रेटजी पे ही लेना है, ठीक है। अब उस मेरा व्यू क्या है, अब ये हम लेना चाहेंगे कि हम एक पुट पहले लेते हैं क्योंकि हम बेयरिश हैं। तो हमने पुट को बाय करेंगे, हम लगा लेते हैं इसको। पहले हम स्टॉक टाटा मोटर्स का भाव चल रहा है 217.60 रुपए। मैं इसकी पुट लगाता हूँ, एक ऑप्शन पुट 215 की पुट लगाता हूँ, एक 210 की लगाता हूँ, 205 की और 200 की, राइट? अब मुझे एक बेयरिश ट्रेड लेना है, मुझे एक बेयरिश ट्रेड लेना है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ इंट्राडे, तो उसका स्टॉप लॉस है 217.75 रुपए, राइट? और अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता हूँ टाटा मोटर्स के अंदर बेयरिश ट्रेड, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, बता सकता है कोई? ये देखो इंट्राडे स्टॉप लॉस तो ये वाला है, ये इंट्राडे का स्टॉप लॉस है ना। और अगर डेली का मैं देखता हूं
तो डेली पे ये जो लास्ट कैंडल है इसका ओपन, ये कल की कैंडल है, ये आज की है, सॉरी ये कल की है, ये वाली कैंडल, राइट। ये स्टॉप लॉस हुआ, ये स्टॉप लॉस क्या है, 222 रुपये 75 पैसे। अब दो तरह के लोग हैं, एक जिसको इंट्राडे ट्रेड करना है, एक वो जिसको पोजिशनल ट्रेड करना है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इसके बियॉन्ड नहीं रुकूंगा, ये मेरी एक ये मेरा डिसिप्लिन है। और मैं अगर एक पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं आज की कैंडल अगर 22 रुपये 75 पैसे से ऊपर क्लोज हो गई तो मैं इस सौदे से क्विट करूंगा, क्लियर है। अब हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि मेरे को एक बियर ट्रेड लेना है। बियर ट्रेड लेने के लिए हमने इसको स्क्रीन पे लगाया और मैंने 217.80 का भाव चल रहा है, मैंने 215 रुपये की पुट देखी क्या रेट है। देखो मैंने ये लेता हूँ, मैं एक कितने शेयर का लॉट है, 1500 शेयर का है ना, 1500 शेयर मैंने टाटा मोटर्स लिए, स्ट्राइक प्राइस 215 की पुट लिया मैंने एट द रेट 8 रुपये 50 पैसे। समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने व्यू बनाया, मैं फिलहाल नॉर्मली जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो कोशिश करो कि पोजिशनल ट्रेड, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो फिर वो आपको स्ट्रिक्ट रहना अपने स्टॉप लॉस पे। तो आज का जो हम ट्रेड करने जा रहे हैं वो हम पोजिशनल पे लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस है 222 रुपये, कितना था, इतना ही था, 222.75। तो हम 222.75 को स्टॉप लॉस रखते हुए हम ये ट्रेड आज ले रहे हैं। मैंने 8 रुपये 50 पैसे में इसकी एक पुट खरीदी, ये सोचते हुए कि अगर ये गिरेगा तो मेरी ये पुट पड़ेगी, ऑब्वियसली ना, क्योंकि मेरा व्यू मंदा है। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं 8 रुपये लगाता हूँ तो 15 × 8 कितने हो गए, 12,000, तो 12,000 रुपये मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं यार, 12,000 से कुछ कम मैं अपने आप को हेज कर लूँ। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, एक ये देखता हूँ कि इसके नीचे वाली 210 की पुट क्या रेट है, या 205 की पुट क्या रेट है। 205 की पुट है 5 रुपये 25 पैसे, मैं एक इसको सेल करता हूँ, ठीक है। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, पहले हम करते हैं। मैंने हाथ के हाथ 1500 टाटा मोटर्स बेच दिए 205 की पुट एट द रेट 5 रुपये 25 पैसे, ठीक है। मैंने यहाँ पर 12,000 रुपये पे कर दिए थे NSE को इस कॉन्ट्रैक्ट में, और इस कॉन्ट्रैक्ट से मैंने 15×75 करीब 7500 रुपये या 8,000 रुपये मैंने NSE से वापस ले लिया, ठीक है, यही है ना। अब मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई NSE के पास, टोटल 4,000 रुपये, क्लियर हो गया। मैंने रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक टाटा मोटर में बियरिश व्यू बनाया और उस व्यू के लिए मैंने 215 रुपये की पुट 8 रुपये 50 पैसे में ले ली, जिसके लिए मैंने 12,000 रुपये पे कर दिए। ये तो समझ में आता है सबको कॉन्ट्रैक्ट कि 215 की पुट ली मतलब मैंने 215 में सौदा बेच दिया, पुट लेना सेल करना, भाव क्या चल रहा है 217 का भाव चल रहा है, मैंने 215 रुपये में सौदा सेल कर दिया और साथ में 8 रुपये का प्रीमियम भी NSE को दे दिया। ये सौदा बिल्कुल अलग है। मैंने अब एक और सौदा किया, उसमें मैंने क्या किया, मैंने 205 की पुट अब बेच दी 1500 शेयर। क्या मतलब हुआ, जब हमने पुट को बेचा, मतलब पुट को जब हम खरीदते हैं तो हम सौदे को सेल कर रहे हैं, जब हम पुट को बेचते हैं तो हमने सौदा खरीदा, तो इसका मतलब मैंने 205 रुपये में टाटा मोटर खरीदे हैं। यहां पर मैंने 215 में टाटा मोटर बेचा था, यहां पर मैंने 205 में टाटा मोटर खरीदा है, राइट, और इसके बदले में मैंने 5 रुपये का प्रीमियम NSE से वापस ले लिया, ठीक है। समझ कंफ्यूजन है क्या, पुट बाय किया, पुट यहां बेचा है, यहां शॉर्ट किया ऊपर बाय, ऊपर बाय किया है, तो यहां बाय किया है मतलब 15 में सौदा सेल खड़ा हो गया, यहां पर 205 रुपये में सौदा बाय खड़ा हो गया, ठीक। अब 200 अब हम देखते हैं, चलो अब हम देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट में केवल 3 चीजें होती हैं, या तो शेयर बहुत बढ़ जाएगा या बहुत गिर जाएगा या कुछ नहीं होगा।
हम तीनों एक्सट्रीम केस देखते हैं, अगर कुछ भी हुआ तो इस सौदे का क्या हाल होगा। ठीक है, अब 217 का भाव चल रहा है, मैं कहता हूं शेयर हो गया 250, हम एक्सट्रीम ले रहे हैं। ठीक है, अगर 250 होगा तो क्या होगा, यहां पर ये पूरे के पूरे 8.5 रुपए जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 215 के नीचे 215 में सेल किया है और 215 से ऊपर बंद हो गया तो ये लॉस हो जाएगा 8.5 रुपए का, बेरिश था और उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पर हमारा कितना नुकसान आया, -12,000। और इस वाले सौदे में क्या होगा, क्योंकि हमने कहा था 205 में खरीदा है, 205 से ऊपर ही बंद हो गया, इसका मतलब ये 5.25 रुपए हमको मिल गए, यानी कि यहाँ पर हमको 8,000 रुपए मिल गए, नेट में हमारा 4,000 का नुकसान हुआ। समझ रहे हो, अब 217 का भाव चल रहा है, अगर वर्स्ट हो गया, बुरा से बुरा हो गया, आज तारीख है 8 और अभी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मंथ बाकी है, तो भी मेरा नुकसान 4,000 ही है, और सौदा कितना बड़ा है, 215 × 1500 कितने बड़ा सौदा है, ये करीब 3,00,000 रुपए का सौदा है, ये 1500 शेयर का लॉट है, 4500 शेयर का लॉट है, 1500, हाँ ठीक है 1500, तो 3,00,000 रुपए के सौदे पे मेरा मैक्सिमम नुकसान 4,000 का है, क्यों, क्योंकि मैंने ये पोजीशन हेज करी थी। ये कब हुआ, जब मेरा व्यू गलत हुआ, राइट। अच्छा, अब अगर मेरा व्यू ठीक हो जाता है, मेरा व्यू बेयरिश था, अब बोलो क्या भाव कर दूं, 190 कर दूं, है ना, अगर 190 हो गया तो क्या होगा, मेरे को कितने पैसे मिल जाएंगे, इसमें 15 रुपए में बेचा हुआ था, 90 का भाव है, 25 रुपए मिल गए, भाई मैंने 215 में बेचा था, अब 190 का भाव हो गया तो टोटल मिला के 25 रुपए का प्रॉफिट आ गया ना यहाँ, है ना, तो 25 × 1500 37,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर 12,000 दे भी रखे थे, वो माइनस हो गया, तो कितने पैसे बचे, 25,000, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में मुझे 25,000 का प्रॉफिट हो गया, राइट। और इसमें क्या होगा, कितना, 15 का लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है, हाँ 15 रुपए गए, ठीक है 15 रुपए का आया ना, आया एक मिनट रुको, 15 रुपए का नुकसान हुआ इसमें, × 1500 कितने पैसे गए, 7500 रुपए गए, लिए हुए कितने थे भाई, 205 15 × 1500 225 है यार, क्या कर रहे हो, 22,500 रुपए का नुकसान हुआ इसमें, और 8,000 हमने ले रखे थे, पहले लिए हुए थे ना हमने, तो हमारा नेट नुकसान कितना हुआ, 14,000 15,000 कर लेते ना, इस वाले सौदे में हमारा नेट में 15,000 का नुकसान हो गया, और इसमें कितना हुआ, 25 का प्रॉफिट, तो नेट क्या हुआ, 10,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब एक केस ही लेते हैं कि ये शेयर ना ज्यादा बढ़ा और ना ज्यादा गिरा, यानी कि 215 ही रह गया। ठीक है, अब अगर ये 215 ही रह गया तो क्या होगा, मैंने ये 8.5 रुपए गए और ये हमको वापस मिल गए, तो नेट में यहां पर 4,000 का नुकसान। ठीक है, और अगर ये भाव बंद हुआ 210 बंद हो गया, चलो मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई और 210 बंद हो गया, उस केस में क्या होगा, ये हमने 15 में बेचा हुआ था, 5 रुपए का प्रॉफिट, 8 रुपए दिए हुए थे, 3 का घाटा, 8 रुपए दिए हुए थे, 5 रुपए वापस मिल गए, तो 3 रुपए गए, 15 × 3 = 4,500 रुपए का नुकसान, और इधर 8,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, है ना, तो यहाँ पर 8,000 का प्रॉफिट आ गया, तो नेट में हमको 3,500 रुपए प्रॉफिट यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो अब इस सौदे का ये मतलब हुआ कि इस सौदे को करके अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं हुआ और वर्स्ट हो गया, टाटा मोटर यहाँ से 300 रुपए बढ़ गया,
₹300 बढ़ गया तो भी मेरे 4000 से ज्यादा का नुकसान नहीं है, और अगर सौदा मेरे फेवर में रहा तो मेरे को मैक्सिमम 10,000-11,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। हमने क्लोज की पुट खरीदी जिसमें प्रीमियम ज्यादा दिया और एक दूर की पुट बेच दी उस प्रीमियम को हेज करने के लिए। अगर मैं इस सौदे को ऐसे ही छोड़ देता तो ये एक नॉर्मल पुट ऑप्शन परचेज हो जाती, लेकिन मैंने इसके नीचे की एक पुट बेच के अपने आप को हेज किया और अपने इस पैसे को 12,000 का जो टोटल रिस्क था इसको मैं 4,000 पे ले आया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IFMC अगेन। और आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन का कंटिन्यूशन है। हमने एक पोजिशनल ट्रेड लिया है कल 8 तारीख को और आज 9 तारीख है। हमने 8 अक्टूबर को एक ट्रेड लिया था टाटा मोटर्स में बेयरिश स्ट्रैटेजी लगाते हुए ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के जरिए। तो हमने 8 तारीख को यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक स्टॉक को चुना था जिसमें टाटा मोटर्स को हमने चूज किया और उसके अंदर हमने 215 रुपये की पुट को परचेज किया था 8.5 रुपये में और उसके अगेंस्ट हमने 205 रुपये की पुट को सेल किया था 5.5 रुपये में। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने इसके अंदर मैक्सिमम 4,000-4,500 रुपये का हमने एक टोटल मैक्सिमम लॉस लगा के एक ट्रेड लिया था बेयर स्ट्रैटेजी का। और हमने इसका कल पोजिशनल स्टॉप लॉस ये रखा था कि अगर ये 222.75 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम स्टॉप लॉस से निकल जाएंगे, इस सौदे से निकल जाएंगे, और नहीं तो हम इसको कैरी करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। आज 9 अक्टूबर 2018 है और हम देखते हैं अब इस ट्रांजेक्शन में कि अब क्या बनता है। आइए, टाटा मोटर्स अब रेट हो गया इस समय इसका 184, जो कि कल 215 रुपये के आसपास ट्रेड था जब हमने लिया था और 222 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था। तो हमने 215 के रेट में 215 रुपये की इन द मनी की पुट खरीदी थी और एक आउट ऑफ द मनी की पुट को सेल किया था, राइट। अब हम देखते हैं इन दोनों सौदों में, अब 215 वाली पुट का भाव अभी हो गया है करीब 33 रुपये, तो ये 215 वाली अब 33 रुपये का भाव हो गया और 205 वाली जो पुट है उसका 25 रुपये का रेट है, ठीक है। तो अगर मैं अब इस समय अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो मैंने ये 8.5 रुपये में लिया था और 33 रुपये में मैं बेचूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को इसके अंदर प्रॉफिट आ गया 24 रुपये का मुझे गेन हो रहा है और इस ट्रांजेक्शन में मुझे नुकसान हो रहा है 19 रुपये का। तो ये हो गया हमारा करीब 5 रुपये का मुझे नेट प्रॉफिट आ रहा है इस ट्रेड में। अभी मैं अगर इस दोनों सौदे को स्क्वायर अप करता हूँ तो मुझे 5 रुपये का गेन, यानी कि 5 रुपये इंटू 1500 शेयर का लॉट है तो 1575 मुझे 7500 रुपये का प्रॉफिट टाटा मोटर्स में आ रहा है इस समय। टाइम हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ 11:15। मैं एक बार चार्ट्स आपको रिपीट कर देता हूँ कल के। ये चार्ट है हमारा कल का, ये आज की कैंडल है, ये कल की कैंडल है। हमने यहाँ पर इस कैंडल पे हमने बेयरिश ट्रेड लिया था और ये स्टॉप लॉस हमने रखा था प्रीवियस डे का कैंडल का ओपन, जो कि था 222 रुपये। और आज क्योंकि वापस ये काफ़ी नीचे है तो हम इसको कवर कर रहे हैं, और क्योंकि हमने जो व्यू बनाया था हमारा बेयरिश व्यू था वो व्यू बिल्कुल ठीक था और उस ठीक के हिसाब से हमारे को ऑप्शन स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉफिट आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7500 रुपये। हम इसको एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, ये यहाँ से आज शुरू हुआ और हमने कल हमने जो ट्रेड लिया था वो कल लिया था कहीं यहाँ पर और 215 या 216 के आसपास हमने ट्रेड लिया था और आज 184 रुपये टाटा मोटर्स हुआ और हमने अपने सौदे को स्क्वायर ऑफ कर लिया। 215 वाली पुट में हमको प्रॉफिट आया 24.5 रुपये का और 205 की पुट जो हमने बेची हुई थी उसमें हमको 19.5 का नुकसान में आया। नेट में हमको 5 रुपये का गेन हुआ, राइट। तो 5 रुपये का गेन मतलब 7500। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि ये स्ट्रैटेजी हमने ऐसे बनाई हुई थी कि इसके अंदर हमारा अगर टाटा मोटर बढ़ भी जाता या हमारा व्यू गलत हो जाता तो हमारा मैक्सिमम जो लॉस था वो भी करीब 4,000 या 5,000 से ज़्यादा का नहीं था। तो ये है ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिस तरह हम यूडी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज के से व्यू बनाकर हम किस तरह ऑप्शन के अंदर पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक सेशन आपको दिखाना था पोजिशनल का, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारों हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका एक क्वेश्चन था कि हमारे को पोजिशनल ट्रेडिंग भी बताएं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग नॉर्मली हम अगर कैश सेगमेंट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेलिंग करते हैं तो हमको वहाँ पर इंट्राडे काटना पड़ता है, लेकिन हाँ अगर हम ऑप्शंस को यूज़ करते हैं तो हम पोजिशनल ट्रेडिंग यूनी डायरेक्शनल ट्रेड के हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1x1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7,200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।